नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू। सो आज का सेशन है परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर एंड ये स्पेशली मैं रिसेंटली जिसने एग्जाम दिया है ना उसके रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूं बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव सजेस्टेड मी दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फॉर 8 मार्क्स 10 मार्क्स एंड इन फ्यू केसेस इवन फॉर 12 मार्क्स। यू हर्ड दैट राइट। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो चलो आओ इसको समझ लेते हैं। इसका पूरा ये जो फॉर्मेट है आप लोग को 5 मिनट के अंदर एकदम अच्छी तरह से लॉजिकली लर्न करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। बट उसके पहले आपको मुझे गारंटी देना पड़ेगा दैट आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया सो दैट एनी नोटिफिकेशन दैट यू वांट विल कम फ्रॉम माय एंड फॉर योर एनी एग्जाम और इन जनरल रिलेटेड पर्पज। एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एनीबॉडी हु वुड वांट दिस वीडियो। नाउ इन केस किसी को लेक्चर्स चाहिए सो फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर लेक्चर्स है फॉर SCPM एंड अभी मेरा AFM का एक मास्टर क्लास बैच भी स्टार्ट हो रहा है ऑफ 100 आवर्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस जैसा मैंने SCPM में किया है। सो यस कनेक्टेड रहिएगा सो दैट यू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ दैट। चलो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग परफॉर्मेंस पिरामिड के साथ। बट परफॉर्मेंस पिरामिड मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को ऑब्वियसली यहां से मैजिक बुक से या फिर सॉरी ऑप्टिमाइज से। तो जिसके पास भी ऑप्टिमाइज्ड है नहीं है कोई बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे कमेंट बॉक्स पे मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूं, वहां से आपको ये जो आज मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो पूरी की पूरी चीज मिल जाएगी एंड डेफिनेटली यू कैन यूज इट फॉर योर बेनिफिट। तो ये पूरा जैसे कि मैंने आपको बोला ये मेरे एंड ऑफ द लेक्चर तक पूरा का पूरा आप लोग को पिरामिड याद हो जाएगा एंड देन दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट दे वांट, वी विल बी एबल टू आंसर दैट विदाउट एनी हिकअप्स। क्या बोलता है पब्लिक? चलो लेट्स स्टार्ट। सो अराउंड 10 मिनट्स इज वॉट आई नीड। मस्त में एटलीस्ट 2 बार सुन लो फिर बाद में परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आने दो आराम से कर लोगे। मतलब एक क्वेश्चन तो वो लोग का फिक्स है क्या कि परफॉर्मेंस पिरामिड क्या करता है, लिंक्स बिजनेस स्ट्रेटेजी विद डे टू डे ऑपरेशंस। तो उसके ऊपर एक वो लोग का क्वेश्चन आता ही आता है इन जनरल। बाकी तो यहाँ पे जो भी है यू नो व्हाट इज लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 ये सारी चीजें आप लोग के साथ मैं अभी क्विकली डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है नोट्स टेलीग्राम चैनल पे। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एज यूजुअल आपको और कौन सा अब नेक्स्ट सेशन चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स एंड डेफिनेटली वी विल डू इट। चलो नेक्स्ट फाइनेंशियल मेजर इज योर परफॉर्मेंस पिरामिड। पिरामिड देखा है आप लोग ने, देखो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है पिरामिड। सो एग्जैक्टली दिस इज द वे अ कंपनी शुड थिंक, ऐसा एंडी नीली एंड क्रिस एडम्स जिसने परफॉर्मेंस पिरामिड को बनाया वो बोलते हैं। सो उनका क्या कहना है कि सबसे पहले कंपनी को अपना कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन एकदम क्लियर रखना चाहिए। कोई भी बड़ी कंपनी ले लो वो अपने विजन के हिसाब से ही चलता है। एग्जाम्पल मैं परफॉर्मेंस पिरामिड को लिंक करने के लिए लेता हूं अमेजॉन का। अगर आप अमेजॉन का विजन स्टेटमेंट देखोगे ना तो उनका क्लियर विजन है टू गिव द कस्टमर्स ऑल दैट दे वॉन्ट एट वन प्लेस एट द बेस्ट प्राइस पॉसिबल। तो ये उनका कॉर्पोरेट विजन है एंड दे आर रिलीजियसली वर्किंग टूवर्ड्स द सेम। मानते हो कि नहीं? सो Amazon का जो विजन है कि भाई हमारे को कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट देना है अपनी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, एंड एट द सेम टाइम वो चीपेस्ट हो कहीं पे भी वो कंपेयर कर ले, वो उसका कॉर्पोरेट विजन बन चुका है। अब ये कॉर्पोरेट विजन अचीव करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा वो एक पिरामिड के फॉर्म में वो सेटअप करेगा। सो इट इज लिंकिंग इट्स बिजनेस स्ट्रैटेजी विद डे टू डे ऑपरेशन। सो देखो परफॉर्मेंस पिरामिड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, लिंकिंग द बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया मेरा, कस्टमर को सब चीज अवेलेबल करवाना है एट लोएस्ट कॉस्ट एट वन प्लेस। अब उसके लिए डे टू डे ऑपरेशंस क्या रखने पड़ेंगे उसके ऊपर फोकस। तो दैट इज वेयर परफॉर्मेंस पिरामिड डिवाइड्स दिस विजन इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, इंटरनल एफिशिएंसी। तो पहले आते हैं अपन लोग इंटरनल एफिशिएंसी के ऊपर। इंटरनल एफिशिएंसी का मतलब विद इन द फर्म जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी प्रोसेसेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस मतलब मेरी तरफ से जो भी कस्टमर को प्रोडक्ट जा रहा है दैट शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। इन केस कस्टमर को कुछ आफ्टर सेल्स चाहिए उसके लिए भी मैं रेडी रहना चाहिए, एंड इन केस कुछ रिटर्न प्रोडक्ट्स है दैट आल्सो आई शुड बी एबल टू मैनेज। सो इंटरनल एफिशिएंसी, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, ये दोनों के ऊपर फोकस के साथ उन्होंने अपना ऑपरेशंस का काम चालू किया।
जैसे ही उन्होंने ऑपरेशंस का काम चालू किया, उन्होंने दो चीज रियलाइज की कि सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना पड़ेगा एंड सेकेंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी वेरी फास्ट। एंड वन डे डिलीवरी की वजह से ही अमेजॉन आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो पाया है। सो उसने दो पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस किया, क्या कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देना है, एट द सेम टाइम द डिलीवरी टाइम शुड बी लोएस्ट। जितना जल्दी अपन डिलीवर कर पाएंगे उतना कस्टमर सेटिस्फाई होगा। सो ये देखो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस से कहानी आगे बढ़ी। ये एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस मैंने मेरे डे टू डे ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को दो टॉप चीजें करनी है, क्या इंक्रीज इन क्वालिटी एंड डिक्रीज डिलीवरी टाइम, एंश्योर कि टाइमली प्रोडक्ट मिल जाए कस्टमर को। अगर मैंने ये दोनों क्वालिटी और डिलीवरी को कंबाइन कर दिया तो कैन आई से मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाई हो गया देन इन दैट केस कैन आई से आई विल बी एबल टू कैप्चर द मार्केट शेयर। दिस इज अबाउट योर एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। आई होप लॉजिकली समझ गया होगा आपको। अब आते हैं इंटरनल एफिशिएंसी की तरफ। इंटरनल एफिशिएंसी में मेरे को एंश्योर करना है कि कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है। चैप्टर 3 लीन सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि वी हैव टू रिमूव ऑल द वेस्ट। तो जितना भी वेस्ट हो रहा है अपने उसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी तरह का भी वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कोई भी तरह का वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा साइकिल टाइम, मतलब अगर अमेजोन का एग्जाम्पल लू तो जैसे उसके पास ऑर्डर आया और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होके कस्टमर के पास पहुंचने का जो ड्यूरेशन है उसको कहते हैं साइकिल टाइम। दैट साइकिल टाइम शुड बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के एंगल से सोचूं तो अगर वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का साइकिल टाइम रिड्यूस करना है। टोयोटा आज की तारीख में वर्ल्ड बेस्ट कंपनी इसीलिए बना क्योंकि इट रिड्यूस द साइकिल टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ कार टू अ वेरी लो एक्सटेंट, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे। तो साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाता है, वेस्ट अनवांटेड वेस्ट ऑफ टाइम, लेबर, रिसोर्सेज, अगर ये दोनों कम हो जाते हैं तो कैन आई से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। सो साइकिल टाइम और वेस्ट रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली मेरा फाइनेंशियली आई विल बी बेटर बिकॉज इट विल रिजल्ट इनटू अ लो कॉस्ट। प्रोडक्टिविटी बेटर होना मतलब कॉस्ट कम होना। मैं यहां पे सेल्स मतलब मेरा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका हूं, मैं यहां पे अगर मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दिया, साइकिल टाइम रिड्यूस, वेस्ट टाइम रिड्यूस कर दिया, देन इन दैट केस कैन आई से मेरा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा तो मैं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। अगर ये सब को मैंने कंबाइन कर दिया देन इन दैट केस आई विल बी एबल टू मैनेज माई होल बिजनेस इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल एंड मेरे कॉर्पोरेट विजन के ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा। बट इन सब के बीच में एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अजिलिटी के साथ अगर मैनेज कर पा रहा हूं देन आई विल बी द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिवर्स एंड दैट्स व्हाट अमेज़न डिड। सो अमेज़न ने क्या यूज किया, परफॉर्मेंस पिरामिड। कैसे स्टार्ट किया अमेज़न ने, सबसे पहले उनका एक कॉर्पोरेट विजन डिफाइन किया। क्या उनका कॉर्पोरेट विजन डिफाइन, कि कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एट लोएस्ट कॉस्ट मिल जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बोला कि हमारे को दो चीजों पे फोकस करना है, इंटरनल एफिशिएंसी मतलब हमारे एम्प्लॉइज एकदम वेल ट्रेंड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेसेस है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर सिस्टम सेट होना चाहिए, एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, आफ्टर सेल्स, रिटर्न मैनेजमेंट सब टॉप क्लास का होना चाहिए। ये दोनों को आगे लेकर बढ़े वो ऑपरेशंस की तरफ। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस हमको चाहिए, लेट्स पुट दिस इन ऑपरेशंस। कैसे करेंगे अपन इसको, बाय गिविंग द बेस्ट क्वालिटी इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, तो कम टाइम में डिलीवर करेंगे जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, मार्केट शेयर मिल जाएगा, आई विल रीच टू माई कॉर्पोरेट विजन। इंटरनल एफिशिएंसी में उन्होंने बोला कि साइकिल टाइम रिड्यूस करना है, फटाफट प्रोडक्ट बना के प्रोडक्टिवली डिलीवर करना है, वेस्ट जहां भी हो रहा है, बीट इन टर्म्स ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, लेबर, एवरीथिंग, वेस्ट रिड्यूस करना है, जिससे वेस्ट रिड्यूस, साइकिल टाइम रिड्यूस, तो प्रोडक्टिवली काम कर पाऊंगा। अगर प्रोडक्टिवली काम कर पाया तो कॉस्ट कम हो जाएगा, जिससे मेरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, अगेन इट विल हेल्प टू रीच माय कॉर्पोरेट विजन। ये सब करते वक्त मेरे को ध्यान में रखना है कि आई एम फ्लेक्सिबल, यानी मार्केट में अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसको मैं फटाफट अडॉप्ट कर लूं, जैसे एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेन कर दूं, अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके टेक्नोलॉजी से क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो देख लूं, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है। एंड अगर ये मैंने कर दिया देन आई विल बी एबल टू achieve my corporate vision and this is what performance pyramid says। I hope समझ में आ गया होगा। आओ फटाफट रीड करते हैं।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग टेक्निक है परफॉर्मेंस पिरामिड, क्या फोकस है उसका ऑन शेयर होल्डर एंड कस्टमर्स। तो ये दोनों के ऊपर हार्डकोर फोकस है, क्योंकि जितना मेरा मार्केट शेयर फाइनेंशियल एस्पेक्ट अच्छा होगा उतना शेयर होल्डर्स का वैल्यू बढ़ेगा एंड कस्टमर्स विल बी हैप्पी। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये स्ट्रक्चर्ड, उनका थॉट प्रोसेस क्या था जिसने ये परफॉर्मेंस पिरामिड बनाया। उन्होंने इसको नाम दिया L1, किसको? कॉर्पोरेट विजन को नाम दिया L1। L1 फॉर देम इज लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच Amazon इज एंजॉइंग इन टूडेज सिनारियो। सेकेंड उन्होंने नाम दिया L2। L2 पे आप इंश्योर करोगे कि मार्केट शेयर मैक्सिमम हो जाए एंड फाइनेंशियली आप केपेबल हो जाओ। फिर बाद में थर्ड पे आया L3। L3 पे आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट इन रिगार्ड्स टू एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी मार्केट एनवायरमेंट, एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट पे फोकस करता है, दैट इज L4, जहां पे डिपार्टमेंट एंड वर्क सेंटर्स के ऊपर फोकस रहता है। सो उधर वन क्वालिटी अचीव द बेस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी एज आपने सोचा है, डिलीवरी गुड्स डिलीवर्ड बिफोर प्लान डिलीवरी डेट, प्रोसेस टाइम लोअर, साइकिल टाइम वेस्ट रिड्यूस, मशीन आइडल कैपेसिटी एंड एवरीथिंग। ये अगर मैंने अचीव कर लिया देन इन दैट केस कॉर्पोरेट विजन विल बी अचीव। ऑब्जेक्टिव्स आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेजर्स आर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो ये मेरा कॉर्पोरेट विजन ऑब्जेक्टिव है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है मेरे को, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए मेजर क्या लेना पड़ेगा, वो बॉटम टू अप जाते हैं, मेजर क्या लेना पड़ेगा, क्वालिटी देना पड़ेगा, डिलीवरी टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, साइकिल टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, वेस्ट रिमूव करना पड़ेगा पूरे प्रोसेसेस में। इफ आई एम एबल टू डू दैट देन परफॉर्मेंस पिरामिड एकदम सही तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है। याद रखना कि परफॉर्मेंस पिरामिड का हार्डकोर फोकस होता है शेयर होल्डर एंड कस्टमर के लिए। सो आई होप वी आर क्लियर विद परफॉर्मेंस पिरामिड। ओके देन, सो आई होप परफॉर्मेंस पिरामिड दिमाग में सेट हो गया होगा। मेरे जितने भी लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं क्या बोलता हूँ पता है, मेरे जो भी रिकॉर्डेड बैच है, जो भी है बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये तुम लोग को अब बिना देखे पढ़ा के बना के मुझे व्हाट्सएप करना है ऑन 9819201473। एंड इन जनरल कैसे चल रहे ये सेशन, श्योर शॉट 10 मार्क्स का AFM का भी मैं डाल रहा हूँ, वो भी आप लोग देखना, विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। एंड डेफिनेटली शेयर दिस विद योर जूनियर्स एंड कलीग्स एज वेल। चलो अब इमीजिएटली अपना नोटबुक बंद करो और ये देखे बिना बनाना है, लॉजिकली सोच के जैसे मैंने अभी समझाया, और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। गाइस, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, डू शेयर योर कमेंट्स एंड लाइक्स। टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला वेस्ता, लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट डू यू वॉन्ट, योर विश विल बी माई कमांड। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।